एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैड राइस थाई नूडल्स की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी नई रेसिपी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो देख पाएँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी ऐड किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, थोड़ा सॉल्ट ऐड किया एंड पानी को बॉयल आने दिया। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये थाइस राइस स्टिक्स नूडल्स, तो इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी के बॉयल आने के बाद में। तो ये इस तरीके की पैकेट आती है, तो इसमें से मैं आधी यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज तीन लोगों के लिए काफ़ी है ये आधी पैकेट, और अगर पूरी बनाते हैं तो मेरे ख्याल से 6 लोगों के लिए काफ़ी होगी। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। वैसे इसके अंदर बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ आपको ठंडे पानी में इसे डालना है कुछ देर के लिए, बट यहाँ पर मैं गर्म पानी में इसे बॉईल कर रही हूँ। तो ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाती है 5 मिनट में, आप देख सकते हैं ये बॉईल हो चुकी है कुछ इस तरीके से। तो इसे अब मैं पानी जो है वो निकाल दूंगी इसका, एंड एक बार ठंडे पानी से भी इसे ठंडे पानी में डाल के भी निकाल लूंगी, ताकि ये स्टिकी ना हो, चिपचिपी ना बने। तो मैंने ठंडे पानी से भी एक बार निकाल लिया, तो आप देख सकते हैं बहुत ही खुली खुली बनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैं तेल ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून ऑफ ऑयल ऐड किया है, तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर गार्लिक, तो इस तरीके से चॉप कर लिया है मैंने 7-8 गार्लिक को, एंड इसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। नेक्स्ट यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ अनियंस, तो अनियंस को इस तरीके से लंबे लंबे मैंने काट लिया है, स्लाइस कर लिया है अच्छी तरीके से, एंड स्प्रिंग अनियंस के जो नीचे वाला अनियन होता है वो भी मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा, एंड इसे सॉटे करेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। प्याज हमारा आप देख सकते हैं पक चुका है, मतलब ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे अब, तो आपके पास जो भी मोस्टली वेजिटेबल्स है आप वो ऐड कर सकते हैं, बट जो भी हम नूडल्स वगैरह में ऐड करते हैं जैसे कि कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं तीनों टाइप के कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ, रेड, येलो एंड ग्रीन, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। देन आप गाजर ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं, कैबेज ऐड कर सकते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स डालेंगे उतना ही अच्छा है। तो एक बार इसे इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी एंड चला लूँगी 5 मिनट तक। नेक्स्ट यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एक टमाटर, इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है मैंने टमाटर को भी। नेक्स्ट यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, टोमेटो चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, तो 1 टेबल स्पून के अप्रॉक्सीमेटली ऐड किया है, एंड यहाँ सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, तो 1.5 टीस्पून ऐड किया है, एंड यहाँ मैंने इमली की चटनी ऐड की है इसमें, तो 2 टीस्पून इमली की चटनी मैंने ऐड की है, तो ये थोड़ी सी खट्टी मीठी वाली चटनी है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गुड़ का पाउडर, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ गुड़ का पाउडर ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिकॉज थाई नूडल्स में थोड़ी सी इमली की चटनी, गुड़ का पाउडर, ये सब मिक्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ, तो 2 टीस्पून ऑफ विनेगर मैंने लिया है, तो वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट रखें, बिकॉज सोया सॉस ऐड किया है उसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो थोड़ा ही नमक ऐड करें, देन ये नूडल्स हम इसमें ऐड कर देंगे एंड इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, बिकॉज ये पूरे एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो थोड़ी सी मिक्सिंग में दिक्कत आती है। आप चाहें तो इनको थोड़ा कट भी कर सकते हैं, तो इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है, एंड थोड़े से पनीर ऐड कर रही हूँ इसमें। एंड स्प्रिंग अनियंस भी हम इसमें ऐड कर देंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट हमारी नूडल्स बन के तैयार हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक क्रस्ट पीनट ऐड किया है, तो क्रस्ट पीनट का पाउडर ऐड किया है, अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबल स्पून ऑफ पीनट पाउडर मैंने ऐड किया है, एंड इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पैड थाई राइस नूडल्स बनके तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।